लेखक का अर्थ सिर्फ पन्ने रंगना नहीं, सार्थक लिखना है। युक्त बातें भारतीय भाषा परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम पुस्तक समारोह में राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने कही। इस समारोह में असमिया के वरिष्ठ लेखक नगेन सैखिया, कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक व साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष पद्म श्री चंद्रशेखर कंबर और हिंदी के चर्चित लेखिका कुसुम अंसर को कृतज्ञ समग्र सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही उर्दू के लेखक मोहम्मद एजाज, बांग्ला की लेखिका कौशिकी दास गुप्ता, तेलुगु के लेखक भंडारी राजकुमार, हिंदी के सुवेंद्र को युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राज्यपाल केसी नाथ त्रिपाठी के हाथों प्रदान किया गया। साथ ही परिषद के अध्यक्ष कुसुम खेतानी ने अपने विचार सन्मार्ग से साझा किया। हवाओं को पंख लगते हैं तो तूफान आता है, जब पंख कटते हैं तो ईमान जाता है, और हम कलम के सिपाही रुख जमाने का देखते हैं। हम कलम के सिपाही रुख जमाने का देखते हैं, हम चलते हैं तो बदलने का अनुमान आता है, हम चलते हैं तो बदलने का अनुमान आता है। हमें जिन साहित्यकारों का आज सम्मान किया है, अपने अपने क्षेत्र में उनका विशेष प्रकार का अनुभव और लेखन है। सम्मान की प्रथा समाज को सुदृढ़ करती है। सच पूछे तो हमारी ये परंपरा का अंग है और हम इससे प्रेरणा पाते हैं। हम कृतज्ञता का भाव उनके प्रति प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को दिशा दी है, समाज को आगे का रास्ता दिखाया। मैंने हम लोग ऐसा मानते हैं, आप व्यक्ति से व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। तो क्या तो नदियाँ जोड़ती हैं या रास्ते जोड़ते हैं, या जीवन में प्रेम जोड़ता है, और प्रेम की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति साहित्य है, तो साहित्य जोड़ता है। तो हम सबके बीच में सेतु बनाते हैं प्रेम का, भाषा के सेतु से हम प्रेम के सेतु की रचना करते हैं, ताकि सारी भाषाएं नहीं, सारा देश एक हो। नहीं तो हमें क्या पड़ी है हम अलग अलग भाषाओं का काम करें, क्योंकि अगर आज मान लीजिए एक मंच पर अलग अलग भाषा के लोग आते हैं तो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की बात करेंगे, और तभी तो ये इसीलिए सारी संरचना है। भारतीय भाषा परिषद की स्थापना इसीलिए हुई है कि सारी भाषाओं के माध्यम से हम मनुष्यों में सौम्यता पैदा करें।